अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक धर्मपुरा में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। हम 55 से भी ज्यादा देने को तैयार हैं, अगर हमें वो हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाए जो वो देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 जुलाई को जो इलेक्शन कराया, उस इलेक्शन में ये पांचवा मेरा इलेक्शन था और पहला इलेक्शन है कि घंटे डेढ़ घंटे में रिजल्ट नहीं आए। 6 बजे इलेक्शन ख़त्म हुआ, 12 बजे पहला रिजल्ट आया, आरटीएस सिस्टम जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी बैठ गया, जो कानून कौमी असेंबली और सेनेट ने पास किया था कि टोटल वोट जो कास्ट हुआ उसका अगर 5% से ज़्यादा 5% से कम का फर्क है तो वहाँ रीकाउंट हो, वो भूल गए कि शायद ये इमरान खान साहब की बारी आ जाएगी कि 680 वोट से साद रफीक साहब का रिजल्ट कम हो। 10 बैग खोले गए, 40 वोट साद रफीक साहब के जब बढ़ गए तो फौरन रीकाउंट बंद करा दिया गया। 5 बैग खोले गए और 5 बैग में 40 वोट बढ़ गए साद रफीक साहब के, तो वो इलेक्शन रिटर्निंग अफसर ने ना सिर्फ रीकाउंट बंद करा दी बल्कि इलेक्शन कमीशन और अदालतों ने भी उसके ऊपर फैसला देने से इनकार कर दिया। 400 वोट शहबाज शरीफ साहब के कम थे और वहाँ रीकाउंट की इजाज़त नहीं दी, जबकि मेरे 129 में वहाँ रीकाउंट की इजाज़त दी। जब 50 पोलिंग स्टेशन के बाद 50 वोट मेरे बढ़े तो वो भी बंद करा दी। ये कैसा कानून है जो इलेक्शन कमीशन ने लागू नहीं करा सके? 22 अरब रुपए लिया 2 अरब के बजाय, और 22 अरब रुपए का खर्च कहाँ गया? क्यों ऐसा रिजल्ट आया? कौमी असेंबली में हज़्ब इख्तलाफ़ की जमातें, इलेक्शन कमीशन चीफ, इलेक्शन कमिश्नर और पूरी कमीशन का इस्तीफ़ा मांगती हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा मांगती हैं। उन्होंने जानबदार ना होने का सबूत दिया, एक जगह कानून कुछ दूसरी जगह कानून कुछ। उनको इसका जवाब भी देना पड़ेगा और हिसाब भी।